हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सब्ज़ी। इसके लिए हमने ये देखिए लगभग 2 शिमला मिर्च, जिसको हमने लंबे पीसेज में कट कर लिया है, लंबी लेयर में। ये देखिए लंबी लेयर में कट करना है, जिससे सब्ज़ी बहुत ही सुंदर बनेगी और अच्छी भी बनेगी। इसके लिए मैंने 2 ही प्याज लिए हैं, जिनको कट कर लिया है। प्याज भी मैंने वही लंबी लेयर में कट किया है और टमाटर भी 2 हैं और इनको भी मैंने लंबी लेयर में कट कर लिया है। ये मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे अपने स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और ये हमने ऑयल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। इसके लिए हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई के अंदर हमने लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया। ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैंने साबुत धनिया डाल दिया है। ये देखिए, तो धनिया हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, प्याज को भी थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेते हैं, जिससे ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं बिल्कुल हल्के हल्के। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम डालेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च। तो ये हमने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी है, और शिमला मिर्च भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो रही है, तो 2 मिनट हो चुके हैं और शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, और टमाटर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर को भी अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी होने वाली है, हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी बनती है, चटपटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, और इस पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सभी सब्जी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमने लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और ये हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए हमने इसके अंदर सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, पानी नहीं डालेंगे, इससे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बहुत ही फटाफट बन भी चुकी है। सिर्फ 2 मिनट हमने मसाले डालने के बाद में हमने 2 मिनट इसको पकाया है, और सब्ज़ी हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये देखिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और इसको अलग बर्तन में निकाल कर सर्व करते हैं। तो ये हमने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है, कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत शानदार सब्ज़ी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।